बच्चों को चलना सिखाने की वीडियो सीरीज का ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में आपने बच्चों को चलना सिखाने के वॉकिंग माइलस्टोन्स और कुछ नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेशन जानी थी। सेकंड वीडियो में आपने जाने थे बच्चों को चलना सिखाने के 10 मजेदार गेम्स। अगर आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाकर जरूर देखिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से मेथड यूज करके आप बच्चों को जल्दी चलना सिखा सकते हैं जिससे वो डरे भी नहीं और कॉन्फिडेंट बने। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेथड है असिस्टिव वॉकिंग। बच्चों को चलना सिखाने और एनकरेज करने का इजिएस्ट मेथड है कि आप उसके हाथ को पकड़कर चलना सिखाएं। इससे बच्चों के लेग्स पर ज्यादा वजन नहीं पड़ता है। बच्चों के हाथ पकड़ते समय ये ध्यान रखें कि बच्चों के पैर जमीन को छुएं और वह गिरने से भी बचा रहे। सेकंड मेथड है रफ टफ नीस। बच्चा चलना सीखने से पहले घुटनों के बल यानी क्रॉलिंग सीखता है। ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बच्चे को जमीन पर छोड़ दें, अपने सुपरविजन में रखें बच्चे को। इससे बच्चे के लेग्स की मसल्स की एक्सरसाइज होती है। हार्ड सरफेस से टच होकर ही बच्चे के बाद में स्ट्रेंथ मिलती है। बच्चे के घुटने थोड़े बहुत काले पड़े तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं, ये सब बाद में आप साफ कर सकते हैं, लेकिन उनको ताकत मिलना बहुत जरूरी। बहला कर फुसला कर प्यार जता कर करूं मैं इशारा मेरे पास आना धीरे धीरे आना है चलना सिखाना। थर्ड मेथड है ग्रैब फेवरेट टॉयज। बच्चों को चलना सिखाने में उनकी पसंद के खिलौने बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप बच्चे को कमरे के एक किनारे पर बिठा दें और बच्चे के फेवरेट टॉयज को कमरे के दूसरे किनारे पर रख दें। बच्चा टॉयज को पकड़ने के लिए आगे आएगा। जैसे ही बच्चा पहुंचने वाला हो टॉयज को कहीं और रख दें। बच्चा घूमता हुआ बार बार टॉयज को लेने के लिए आगे बढ़ेगा। मसल्स डेवलप तो होंगी ही, बच्चा चलना भी जल्दी ही सीखेगा। बच्चा थोड़ी बहुत मेहनत करना भी सीखेगा। टॉयज के पीछे भागेगा तो उसको लगेगा कि उसको कोई एक नई एक्टिविटी कराई जा रही है, उसको बहुत ही मजा आता है। अगर आप 10 और मेथड सीखेंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। क्या भी अपने बच्चे का चलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फोर्थ मेथड है सडन किक। यह बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इसमें जब बच्चा सोफा या किसी और फर्नीचर का सहारा लेकर खड़ा हो तो उसके आगे एक बॉल रख दें। फर्स्ट टाइम उसके पैरों से बॉल टच करा दें या गलती से खुद लग जाएगी, पर धीरे धीरे बच्चा खुद बॉल को किक करने लगेगा। कभी लेफ्ट लेग कभी राइट लेग के आगे बॉल रखें ताकि बच्चा अपने दोनों पैरों के बॉल को किक करने की कोशिश करता रहे। बच्चे को इसमें बहुत ही मजा आता है। उसके पैरों की भी एक्सरसाइज होती रहती है, उसके लिए गेम मिल जाता है, एक नई एक्टिविटी मिल जाती है बच्चे को। आपको भी इसमें बहुत मजा आएगा। बस ध्यान रखें कि बच्चा गिरे नहीं और वो बॉल को लगातार किक करता रहे, उसके पैरों की एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए। फिफ्थ मेथड है क्रूजिंग। क्रूजिंग में आप बच्चे को सोफे के सहारे एक एंड पर खड़ा कर दें। बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा अपने टॉयज को पकड़ने के लिए। उसके टॉयज को आप कभी इधर रखते रहें। बच्चा उनको पकड़ने के लिए सोफे का सहारा लेके इधर उधर चलेगा, उससे उसके लेग की एक्सरसाइज होती रहेगी। सिक्स्थ मेथड है ट्विस्ट फॉर रिवॉर्ड। बच्चे को छोटे से बिना बैक वाले स्टूल पर बिठाएं, अपने सुपरविजन में कुछ खिलौनों को स्टूल के आसपास रख दें। बच्चा बार बार झुककर उनको उठाना चाहेगा, इससे उसके बैक की एक्सरसाइज होगी। वो ट्विस्ट करेगा या कहिए बैंड करेगा। इस एक्सरसाइज में बच्चों के शोल्डर्स लेग्स बैक की मसल्स स्ट्रांग होती हैं और बच्चा अपने पैरों पर अपर बॉडी का वेट रखना सीखता है। बच्चों को इसमें बहुत मजा आता है। देखिए कायरा कैसे कर रही है, कभी इस टॉय को उछाल रही है कभी उस टॉय को उछाल रही है, उसको मजा आ रहा है। और देखो वो स्टूल को लेके पीछे खिसकना शुरू हो गई, उसको ये भी एक नई एक्टिविटी लग रही थी। सेवेंथ मेथड है यूनाइट द बॉल्स। कुछ बॉल्स या छोटे टॉयज को सोफे पर एक तरफ फैला दें और दूसरी तरफ कोई बास्केट रख दें। बच्चे को कहें कि एक एक बॉल को लेके आए और टोकरी में यूनाइट करने के लिए कहें। इस खेल में बच्चे के पैर की मसल्स ग्रो होती हैं। बच्चा जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स उठा के लेके आता है आपके पास और उनको बास्केट में रखने के लिए आप जब कहते रहते हैं तो उसको मजा आने लगता है। बच्चे को ट्रेन करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। बच्चा देखो बॉल को लेके आ रहा है, बास्केट में रखने की कोशिश कर रहा है, उसको मजा आ रहा है इस एक्टिविटी में। एट्थ मेथड है चेज एंड ब्रिंग। एक बॉल को लें और बच्चे के साथ खड़े हो जाएं। बॉल को जरा सी दूर फेंकें या बच्चा खुद फेंक देगा और बच्चे को बॉल लाने के लिए कहें। अगर बच्चा चलकर जाना चाहे तो अच्छा है और अगर शुरू में क्रॉलिंग कर कर घुटने के बल चलकर जाना चाहे तो भी अच्छा है। बच्चे को एनकरेज करते रहें, बॉल को कभी ज़्यादा दूर कभी कहीं और फेंकते रहें। इससे बच्चे की हैंड्स के और आइज का कोऑर्डिनेशन मतलब कि तालमेल बनता है और बच्चे के अपर पार्ट की मसल्स भी स्ट्रांग होने लगती हैं। नाइन्थ मेथड है मसाज। आपके नन्हे शैतान ने बहुत एक्सरसाइज कर लिया तो उसके लेग्स की मसाज कर दे किसी भी ऑर्गेनिक ऑयल से। साथ में उसकी तारीफ करते रहें कि उसने कैसे कैसे चलना सीखा।
साथ ही इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाएं कि आगे उसको और क्या क्या करना है, क्या क्या मेथड्स होने वाले हैं चलना सिखाने के लिए। उसकी मसल्स भी स्ट्रांग होंगी और आपसे बॉन्डिंग। 10th मेथड है ट्रेनिंग रेल। और कायरा अपनी बेड रेल पकड़ के अपनी वॉकिंग की ट्रेनिंग करते हुए, हाउ टू ट्रेन योर बेबी टू वॉक। 11th मेथड है एक से भले दो चलना सिखा दो। दो लोग बच्चे को दोनों हाथ पकड़ के एनकरेज करते हुए चलाएं। बच्चा बैलेंस सही से तो बना पाएगा ही, दोनों लोगों से बच्चे की अच्छी बॉन्डिंग भी बनेगी। सबसे बढ़िया तरीका या मेथड है ये, या पार्क में आप ले जा सकते हैं बच्चे को, साफ एरिया में या घास पर चला सकते हैं। धीरे धीरे सपोर्ट कम करें, पहले पूरा हाथ पकड़ें, फिर धीरे धीरे फिंगर पकड़ें, बीच में कोई जना एक हाथ छोड़ता रहे। इससे बच्चा बैलेंस बनाना सीखेगा, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आगे पीछे बच्चे को घुमाते रहें, उसको मजा आता है इसमें बहुत ज्यादा। 12th मेथड है पोस्टॉय, दम लगा के हईशा। वो अगर कुछ लोग अवॉइड करते हैं पर हमने यूज करा, इसे कायरा जल्दी चलना सीखी और कभी हम लोग बिजी होते थे तो उसको यूज कर लेते थे। ये जो वीडियो में आप गडुलना देख रहे हैं इससे भी बच्चे को चलने में बहुत हेल्प मिलती है, बस इसमें आपको सुपरविजन ज्यादा रखना होता है क्योंकि बच्चे के गिरने का खतरा रहता है, बट इसे बच्चा बहुत ही जल्दी चलना सीख सकता है। आपको प्लास्टिक का स्टूल भी ले सकते हैं जिसको बच्चा खिसकाते हुए आगे बढ़ेगा, उसको बहुत मजा आता है और जल्दी चलना सीखता है वो इसके साथ। 13th मेथड है बैलेंस स्टिल काउंट। बच्चे को अपने दोनों पैरों पर खड़ा होने के लिए और एनकरेज करने के लिए बैलेंसिंग का एक इंटरेस्टिंग गेम बनाएं। बच्चे के साथ हार्ड सरफेस या जमीन पर बैठें और बच्चे को उठकर खड़े होने में हेल्प करें, फिर जोर से काउंट करें कि बिना गिरे बच्चा कितने टाइम तक खड़ा रहता है, या बैलेंसिंग की कोशिश के बाद क्लैप करके बच्चों की तारीफ करें। और 14th मेथड है बेयर फुट ऑन द फ्लोर। डॉक्टर बच्चों को चलना शुरू करने पर उन्हें नंगे पैर मतलब बेयर फुट घूमने की सलाह देते हैं। इससे बच्चे पैर से जमीन को महसूस करते हैं, ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं, अलग अलग सरफेस और टेक्सचर्स की बच्चे को ग्रिप बनती है जो जूतों में पॉसिबल नहीं है। बच्चे बैलेंस करना सीखते हैं। कोई भी बच्चा एक दिन में चलना नहीं सीख जाता, उसको प्रैक्टिस कराते रहिए, एनकरेज करते रहिए, बच्चे का मन बहलाते रहिए ताकि उसको चलने का और जल्दी जल्दी मन करता रहे, उसको सारे गेम्स खिलाइए। उससे रिलेटेड हमारी ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। एकदम स्ट्रेस फ्री रहे, घबराए नहीं अगर बच्चा गिर जाए तो। फॉलिंग मतलब लर्निंग, बच्चा देखता है कि मैं क्यों गिरा, मेरे से क्या गलती हुई, अगली बार वो उसको इम्प्रूव करता है। आप अपने बच्चे की फिंगर पकड़ के हर जगह घुमा सकते हैं, एक जगह और आप अपने फिंगर घुमा सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन पर। होप आपका ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक कर दो, शेयर करो, केयरिंग फ्रेंड्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।